हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज की वीडियो में मैं गब ब्रांड के कुछ ब्रशेस का सेट लेकर आई हूं और बहुत ही क्लासिक पैकेजिंग के अंदर आया है और देख के ही काफ़ी रॉयल फिनिश आती है। आगे हम उसकी अनबॉक्सिंग और मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी, तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन्हें ट्राई करने के लिए। तो पहले फटाफट से मैं बेयर फेस हो जाती हूँ। तो अभी मैं हूँ बेयर फेस और ये ब्रशेस का सेट है जो बहुत ज़्यादा प्यारा है, गब ब्रांड का और 899 रुपीज़ इसका प्राइस है। पैकेजिंग आप देख सकते हैं कितनी क्लासी है, यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है जो कि क्लोजअप शॉट्स में अभी आपको आगे दिखा दूँगी। और यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है कि कौन सा ब्रश किस लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो एक प्रॉपर गाइड है। 8 ब्रशेस का सेट है, आपको 8 ब्रशेस मिल रहे हैं जिसमें एक जो है आपको पाउडर ब्रश मिल रहा है, एक कॉन्टोर ब्रश, एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश, एक फ्लफी ब्रश, एक फ्लैट आई ब्रश, एक स्पूली और एक फ्लैट लिप ब्रश भी आप बोल सकते हैं, आईलाइनर ब्रश भी आप कर सकते हैं, एक एंगुलर ब्रश। पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा क्लासी है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल दी हुई है कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करने चाहिए आपको ब्रशेस। वैसे तो डेमो मैं आपको आगे दूंगी। डॉक्टर मॉर्फिन की तरफ से हैं ये और यहाँ वैसे इसका प्राइस 1500 है लेकिन आपको 899 रुपीज़ में मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी मिल रही है कि एक मस्कारा या फिर आप स्पूली बोल सकते हैं। यहाँ पर ब्राउ ब्रश भी मिल रहा है और यहाँ पर लिप ब्रश मिल रहा है, तो ये सभी ब्रशेज हैं। इनका डेमो मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ। अभी हम इसे फटाफट से ओपन करते हैं और इसकी जो हमारे ब्रिसल्स हैं उसको चेकअप कर लेते हैं, किसके ब्रिसल्स कैसे हैं। तो मुझे बहुत ही क्लासी, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग लगी, देख के पता लग रहा है कि कितनी अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 8 ब्रशेज़ मिल रहे हैं जिसमें एक पाउडर प्लस फाउंडेशन ब्रश है, एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है जिससे आप ब्लेंड मतलब ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन, तो ये वाला ब्रश जो होता है ना वो आपके लिए फ्लैट फाउंडेशन ब्रश होने वाला है, एक ये पाउडर ब्रश होने वाला है। ठीक है, कितना अच्छा है, ब्रिसल्स भी काफ़ी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी कोई भी ब्रिसल्स कहीं से भी निकल नहीं रहे हैं, जो इसके हेयर हैं बहुत सॉफ्ट हैं। और इसके साथ यहाँ पर आपको एक कॉन्टोर ब्रश मिल जाता है जो स्लाइट है, हल्का सा ऐसे स्लांट में है जिससे आराम से आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर डेमो भी देने वाली हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर बेयर फेस हूँ। तो इसके साथ आपको एक फ्लफी ब्रश मिल जाता है आपकी आइज़ के लिए और बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है। एक फ्लैट फ्लफी ब्रश है जिससे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और एक स्पूली मिल जाती है आईब्रोज को सेट करने के लिए, जो पूरा डिटेल में मैं आगे आपको दिखाऊंगी डेमो पार्ट के साथ साथ। तो यहाँ पर आपको जो है एक आईलाइनर ब्रश मिल जाता है, एक एंगुलर ब्रश मिल जाता है, तो ये आपको फ्लैट छोटे वाला ब्रश मिल जाता है और यहाँ पर हमें एक एंगुलर ब्रश मिल जाता है ताकि हम इजीली जो आई लाइनर अप्लाई कर सकते हैं या आजकल सॉफ्ट लाइनर्स आई शेडो से अप्लाई होते हैं तो वो कर सकते हैं, तो बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर अभी मैं जो ब्रशेस को करने वाली हूँ तो सभी अभी हम डेमो देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने अपने फेस के ऊपर प्रेप किया हुआ है और मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। अभी यहाँ पर हम लिक्विड फाउंडेशन ले रहे हैं, ज़्यादातर मैं स्टिक ऑन फाउंडेशन है लेकिन मुझे ब्रशेस को ट्राई करना है तो यहाँ पर मैं लिक्विड फाउंडेशन का ट्राई करूँगी। ऑब्वियसली मेरे पास अभी वो सेम शेड नहीं है, अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं अभी फ़िलहाल अपने होम टाउन में हूँ तो इस वजह से मुझे एक्यूरेट शेड नहीं मिलेगा और ये वाला शेड हल्का सा लाइट है मेरी स्किन के लिए, तो स्टिल हम ट्राई करते हैं इसको अप्लाई करने का। जस्ट मुझे चेक करना है कि कितना अच्छे से ब्लेंड होता है। तो यहाँ पर हमने फ्लैट ब्रश लिया है और उसकी वजह मदद से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये इवनली जो है अप्लाई हो चुका है, ऑब्वियसली फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन टोन से। अभी हम इसे सेटल कर लेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लेती हूँ और इसको थोड़ा सा हम, क्योंकि मैं वाइट वाइट लग रही हूँ, मेरा फेस एकदम वाइट लग रहा है, तो हम पाउडर ब्रश के साथ चेक कर लेते हैं कि कितना अच्छे से अप्लाई होता है। पाउडर ब्रश बहुत ज़्यादा
फ्लफी है, बहुत प्यारा लग रहा है। अप्लाई करके देखते हैं। वाओ, बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा है इससे पाउडर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता है पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करो ना, बहुत पैची पैची सा फील होता है, लेकिन इसके ब्रिसल्स इतने सॉफ्ट हैं, कितना आराम से ये अप्लाई हो रहा है और इतना फ्लफी है, मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे मेकअप करने में मुझे ब्रशेस को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है कि मुझे अप्लाई करना है या बहुत ज़्यादा ड्रैग करना पड़ रहा हो प्रोडक्ट, और बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। काफ़ी अच्छा फिनिश लुक आया है ना। अभी तो इस ब्रश के साथ मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। हाफ फेस पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। वाओ, एकदम नेचुरल फिनिश आया है कॉन्टोरिंग का। इसी से मैं नोज कॉन्टोर करती हूँ। जस्ट इसे पिंच कीजिए। इतने सॉफ्ट ब्रशेस है ना कि मज़ा आ रहा है इसे अप्लाई करने में। मैंने सस्ते वाले भी ब्रशेस ट्राई किए हैं, अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसकी बात ही कुछ अलग है। यहाँ पे हम पाउडर ब्रश के साथ ही ब्लश अप्लाई कर लेंगे। इसको हम पिंच करेंगे और हाइलाइटर अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हम आई शेडो अप्लाई कर लेते हैं। ये फ्लफी ब्रश लिया है मैंने। सबसे बड़ी बात है जब भी हम क्रीज बिल्ड करते हैं तो उसके लिए ब्रशेस जो है वो आपके आईज में फिट होना चाहिए, और ये बहुत आसानी से फिट हो रहा है। ब्रश फिल करने के लिए मैं स्मॉल ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, और सेम पैलेट में से मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ। डिफरेंस देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये लुक भी अच्छा लगा होगा। अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो ये कूपन कोड अप्लाई कीजिए, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।